आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे लर्नर्स 20 इम्पोर्टेंट यूट्यूब क्वेश्चंस हैं हाउ टू क्रिएट न्यू यूट्यूब चैनल, हाउ टू सेलेक्ट योर यूट्यूब चैनल नेम, हाउ टू सेलेक्ट वीडियो टॉपिक, हाउ टू राइट वीडियो टाइटल प्रॉपरली, हाउ टू राइट वीडियो डिस्क्रिप्शन, हाउ टू गिव वीडियो टैग्स, हाउ टू गिव चैनल टैग्स, हाउ टू फाइंड टैग्स, हाउ टू डू वीडियो SEO, हाउ टू डू वीडियो रैंकिंग, हाउ टू क्रिएट आई कैचिंग अट्रैक्टिव थंबनेल, हाउ टू इंक्रीज व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ यूट्यूब चैनल, हाउ टू इंस्टॉल ट्यूबडी, हाउ टू प्रमोट योर चैनल, यूट्यूब गाइड्स एंड पॉलिसीज, एंड हाउ टू गेट फ्री कॉपीराइट मटीरियल एंड फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंड एट लास्ट द क्वेश्चन यूजफुल वेबसाइट्स एंड एप्स फॉर यूट्यूब. वेलकम टू मराल लर्नर्स अकेडमी, द प्लेस वेयर पीपल कम टू लर्न. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस इजीली मिल सकें. सो लर्नर्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है. और पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल. इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, ठीक है. सो टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल यू नीड अ जीमेल अकाउंट. सो फर्स्ट हम लर्न करेंगे कि हमें जीमेल अकाउंट किस तरह बना सकते हैं. सो मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, मेरे सामने जीमेल की वेबसाइट खुली है, ठीक है. अब इसमें सामने आ रहा है साइन इन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है. अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है तो आप साइन करके लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू मेक अ न्यू जीमेल अकाउंट फॉर योर यूट्यूब चैनल. अब आपने किस तरह क्रिएट करना है, आपने क्रिएट में क्लिक करना है. आपके पास दो ऑप्शन जाएंगी, फॉर माई सेल्फ टू मैन माई बिजनेस. आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है. मैं फॉर माई सेल्फ कर लेता हूँ, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास पेज आएगा क्रिएटर अकाउंट का, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम. यूज़र नेम वो होगा जिस नेम से आपने जीमेल अकाउंट बनाना है, ठीक है. ये जो ये बता रहा है यू कैन यूज़ लेटर्स, नंबर्स एंड पीरियड्स. नेक्स्ट के बाद आपने पासवर्ड डालना है, दोबारा कंफर्म करना है आपने पासवर्ड और इसको नेक्स्ट कर देना है. जब इसको आप नेक्स्ट करेंगे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है. फिर आपके ये मांगेगा डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है. फिर आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है, वे मैसेज. वो आपने इस वेबसाइट के नेक्स्ट पेज में डालना होगा और आपका जीमेल अकाउंट वेरीफाइड होके क्रिएट हो जाएगा विद इन फ्यू स्टेप्स. जब आप ये कर लेंगे स्टेप तो आपने नेक्स्ट स्टेप में आना है, यूट्यूब की वेबसाइट में आना है, ठीक है. इधर आपने इस आइकन में क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट अ चैनल में क्लिक करना है आपने. फिर आपके सामने ये पेज आएगा, आपने गेट स्टार्टेड में करना है. फिर आपके पास दो ऑप्शन जाएंगे, चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल. नंबर वन, यूज़ योर नेम. नंबर टू, यूज़ अ कस्टम नेम. ये भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, आप कस्टम नेम लेना चाह रहे हैं या अपना नेम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यूज़ योर नेम है, ठीक है. आप किसी में भी कर सकते हैं इट्स ऑन यू. तो मैं यूज़ योर नेम में करूँगा तो ये मेरे नाम से चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम नीचे इधर अपना लोगो या पिक्चर अपलोड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है. नीचे, ठीक है, उससे नीचे जाए तो चैनल डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, ठीक है. उससे नीचे जाए तो अगर वेबसाइट है आप इधर लिख सकते हैं. फिर इधर सोशल लिंक्स की ऑप्शन है, आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है. जब एंटर कर लेंगे तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है. मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा तो मैं इसी सेटअप लेटर कर रहा हूँ. सो जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अपलोड आ रहा है वीडियोस का, ठीक है. आप वीडियोस डाल के अपलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट चैनल, ठीक है. अपलोड डाल के अपना चैनल टैग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, कस्टमाइज चैनल और यूट्यूब स्टूडियो. पहले मैं आपको कस्टम चैनल का बताऊंगा, ठीक है. फिर हम जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है. तो ये हम आ गए हैं अपने कस्टमाइज चैनल में, ठीक है. इधर ये आपको क्लिप आर्ट का बता रहा है, क्लिप आर्ट आपकी कवर पिक होती है सब फेसबुक की, उस तरह आपने इधर डालनी है बना के, ठीक है. या तो आप अडोब फोटोशूट से बना सकते हैं. नंबर वन. नंबर टू, आप पावर पॉइंट में बना के उसको पेंट में, ठीक है, जो आपकी विंडो में इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट का पेंट सॉफ्टवेयर है, उस पर पेस्ट करके भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा इधर अपना लोगो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है. अगर नीचे जाए तो इधर होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, चैनल, डिस्क्रिप्शन, अबाउट, ये ऑप्शन जा रही हैं.
और मैं आपने अपनी वीडियोस अपलोड करनी है और अपने सेक्शंस ऐड करने हैं वगैरह, हमेशा मैंने क्लिक किया है। सेलेक्ट कंटेंट कोई भी कर सकते हैं आप इनमें से, ठीक है। हॉरिजेंटल वर्टिकल कर सकते हैं, इसको सेव कर डन कर देना, अभी सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से अपलोड कर सकते हैं वीडियो, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं आप। अगर आप वीडियोस में जाएँ तो अगर बस वीडियोस पड़ी हैं तो वो आपको इधर शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, अपलोड्स की ऑप्शन आ रही है। फिर प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है आपने, ठीक है। तो अब यहाँ से न्यू में जाके आप क्लिक करेंगे, टाइटल लिखें, क्रिएट करें, विद इन सेकेंड क्रिएट हो जाएगी। फिर चैनल, अगर कोई फीचर चैनल आप डालना चाहते हैं, कोई आपको ऑलरेडी चैनल है, ठीक है, तो वो इधर आप लिंक देकर डाल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन, कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पे आके आपकी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, जैसे आपके व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, वो इधर आके एंगेज हो। और अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने इधर चैनल डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एक अच्छी चीज़ को ध्यान करके सेव कर देना है। इधर ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें, ईमेल आईडी आपने अपनी यूट्यूब अकाउंट की नहीं देनी, जिससे आपने अभी लॉग इन किया है वो नहीं देनी, आपने अपनी अल्टरनेटिव देनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर सेफ्टी पर्पज़ कह रहा हूँ, क्योंकि हैकर्स आपकी जीमेल आईडी की तलाश में होते हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल की जीमेल आईडी दे देंगे तो आपका अकाउंट वो हैक कर लेंगे। नेक्स्ट, नीचे आपने लोकेशन देनी है, उसके नीचे आपने लिंक्स क्लिक करने हैं, ठीक है। आप लिंक डाल सकते हैं कोई भी, यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐड में क्लिक करें, करें लिंक का टाइटल, फेसबुक इधर उसका लिंक और डन, ठीक है। आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये हमारा हो गया है कस्टमाइज चैनल। हम जाते हैं चैनल डैशबोर्ड में, ये चैनल डैशबोर्ड है, इधर हम देख सकते हैं, ठीक है। इधर फर्स्ट अपलोड का कॉलम आ रहा है, फिर यूट्यूब की अपडेट न्यूज़ का, और फिर चैनल एनालिटिक्स का, ठीक है। तो हम पहले जाते हैं चैनल एनालिटिक्स में, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ओवरव्यू करते हैं। इसमें ओवरव्यू आ रहा है आपके पास, ठीक है, 28 डेज में कितने हैं, ठीक है। अगर राइट साइड में जाएँ तो इधर आप डेज से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर रियल टाइम आपको आ रहा है, ठीक है, लाइव अपडेट आपको अर्ली मिलेगी, ठीक है। मैं आपको अभी अपने रियल चैनल से भी शो करूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, टेंशन लेनी है आपने। हमने रीच में जाए तो आपको इंप्रेशन, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, व्यूज, यूनिक व्यूज देता है, नीचे ट्रैफिक सोर्स टाइप्स, जिस तरह की आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऊपर रहेगी, एक्सटर्नल इधर है, सजेस्टेड वीडियो से ट्रैफिक जो आ रही है। इधर राइट में जाए तो यूट्यूब सर्च से ट्रैफिक, आपके जो कीवर्ड हैं, इधर आपकी प्लेलिस्ट की ट्रैफिक, इधर इंप्रेशन एंड हाउ दे लेड टू वॉच टाइम की ट्रैफिक आती है यहाँ पे। अगर हम आगे चले तो एंगेजमेंट है, इधर एंगेजमेंट है, इधर वॉच टाइम आपको अपडेट होते हैं अर्ली, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर नीचे जाए तो टॉप वीडियोस से कितना आपको आ रही है एंगेजमेंट, ठीक है, टॉप प्लेलिस्ट, टॉप कार्ड, इसके अलावा टॉप वीडियोस बाय एंड स्क्रीन एंड टॉप एंड स्क्रीन एलिमेंट टाइप्स, ये चीज़ें हमें हैं। और आगे जाए तो ऑडियंस, ऑडियंस में यूनिक व्यूज, एवरेज व्यूज पर व्यूअर सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं, नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, सिंपल से वो। अब इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने यूट्यूब स्टूडियो के चैनल डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में तो लेफ्ट साइड में आपका डैशबोर्ड की ऑप्शन है, ठीक है, जो आप सामने आ रही है। फिर उसके बाद वीडियोस की है, ठीक है। इधर आप वीडियो अपलोड करके अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वीडियोस को कीवर्ड्स लगाते हैं, वो किस तरह करते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट होती है, अगर इसमें क्लिक करें तो ये नया पेज आ गया, न्यू पेज आके आप क्रिएट कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम आगे चलें तो हमारे पास एनालिटिक्स हैं, जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। कमेंट्स, जो भी कमेंट्स हैं आपके इधर पब्लिश्ड हैं, हेल्पफुल रिव्यू, लाइकली स्कैम या सैम है, ठीक है, स्कैम। और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर इधर सब टाइटल्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी ऐड कर सकते हैं आप, सिंपल है, ठीक है। फिर मोनेटाइजेशन का पेज है, इधर आपको शो करता है कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने आपकी पब्लिक वॉच आवर्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है। और इधर है नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, आप इधर नोटिफाई में क्लिक करके अपनी जीमेल के अकाउंट से नोटिफाई हो सकते हैं। जब भी आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी तो आपको ये जीमेल में नोटिफाई कर देगा बाय मेल। इधर ऑडियो लाइब्रेरी है, यहाँ से आप फ्री म्यूज़िक ले सकते हैं, ठीक है। बड़े यूट्यूबर्स सारे यहाँ से म्यूज़िक यूज़ करते हैं, यहाँ से ऑडियो यूज़ करते हैं। फिर आगे जाएँ तो चैनल सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये जनरल है, आप कोई भी देख सकते हैं कंसेप्ट अकॉर्डिंगली। ये चैनल की है, ठीक है, कीवर्ड्स, चैनल कीवर्ड यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करते हैं आप, एडवांस, सॉरी एडवांस सेटिंग्स आपकी आ गई हैं, ठीक है। ये आप अगर आप चिल्ड्रन बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बनाएं तो उसे नो कर दें, अगर आप बना रहे हैं तो यस कर दें, अगर आप नहीं, अगर आप चाहते हैं हर वीडियो आपकी रिव्यू हो तो आप इसको इसमें क्लिक कर दें, थर्ड ऑप्शन को आई वॉन्ट टू। फिर नीचे आपको एडवांस सेटिंग, यूट्यूब
लीड अकाउंट के ऑप्शन जी में ये सिंपल आप दे सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांडिंग आ रही है, ये एलिजिबिलिटी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो लर्नर्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। आपने जाना है चैनल में, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर चैनल का नेम आएगा, ठीक है। आप गूगल अकाउंट में जाके एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या अपने आप चैनल का नेम चेंज करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके अपना कोई भी यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। हाँ, जब आप चेंज करेंगे तो याद रखें आपका यूट्यूब चैनल एक ब्रांड है, तो उसका नेम चेंज करेंगे तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे उसे। सो हम आगे चलते हैं, तो आप कीवर्ड यहाँ पर भी डालेंगे, ठीक है। कंट्री भी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट सेटिंग एडवांस, ठीक है। ये तीन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हम चलते हैं तो ये अदर चैनल सेटिंग्स पे आ जाते हैं। इसमें हम पहले जाते हैं एडवांस चैनल सेटिंग्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा एडवांस का, जिसमें आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, कंट्री सेट करनी है, या दोबारा अपने चैनल कीवर्ड डालने हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं डिसेबल, अगर आपके चैनल में है तो चल रही है तो एडवर्ड से आप लिंक कर सकते हैं, अगर आपका एडवर्ड का एडवर्ड्स का अकाउंट है तो। नीचे चैनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको कोई भी चाहिए तो, ठीक है, आप अलाउ कर सकते हैं। सब्सक्राइबर अकाउंट जो आप यहाँ से डिस्प्ले और यहाँ से हाइड कर सकते हैं, उसको सेव कर ले बाद में आप, ठीक है। हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस चैनल सेटिंग्स। इस पर हम जाते हैं तो हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा, आई थिंक ये बता चुका हूँ आपको मैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट। हम इस पेज को खोलें तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं, ठीक है। नीचे अकाउंट से रिलेटेड हमें डिटेल्स दी हुई हैं, तो हम पहले जाते हैं चैनल स्टेटस एंड फीचर्स में। वो क्या है इसका मैं अभी देता हूँ आपको। इसमें हमें अपना लोगो लगा देना है, उसको वेरीफाई करना है। अगर वो चैनल वेरीफाइड नहीं है तो आप चैनल नहीं चला सकते। वेरीफाई किस तरह करना है, जैसे इसमें क्लिक करना है आपने, ठीक है। तो आपके पास ये पेज आएगा, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है आपने, और इधर दो ऑप्शन आ रही हैं आपको वेरीफिकेशन कोड किस तरह सेंड करे। वो या तो कॉल से करे या आपको टेक्स्ट से करे, ठीक है। हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है तो आपको वेरीफिकेशन कोड मिलेगा, ठीक है। वो आपने फिर इसके नीचे बॉक्स आएगा, ठीक है। जब इसको कर लेंगे, ठीक, तो आपने उधर एंटर करना है, तो आपका यूट्यूब चैनल विद इन फ्यू सेकेंड्स वेरीफाइड हो जाएगा। इसको हम बंद करते हैं, वहाँ के चलते हैं। अगर आपने नया चैनल बनाना है सेम जीमेल अकाउंट से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, इधर आपके पास आ जाएगा ब्रांड अकाउंट नेम, आपने कोई भी लिखना है, आप एक क्रिएट कर लेना है अपना न्यू चैनल। अगर इधर चले तो ये व्यू एडवांस सेटिंग्स आ रही हैं, याद रखें ये आपकी जो एडवांस सेटिंग्स हैं ये किसी को नहीं पता होना चाहिए। आपका यूज़र आईडी, ठीक है, मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि मेरा चैनल न्यू है, मैंने कुछ नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो यूज़र आईडी, चैनल आईडी, ठीक है, ये चीज़ें किसी के पास नहीं जानी चाहिए, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आपको चैनल स्टेटस और फीचर्स में लेके जाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये वेरीफाई का हो गया था। आगे चले तो हमारे पास चैनल वायलेशन आती है। नंबर वन, कॉपीराइट स्ट्राइक्स। आपको यूट्यूब तीन कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजता है। कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या है कि हमने किसी का कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है। कोई भी हमने फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन का चैनल हमने देखा, ठीक है, उसको देख के आपने वीडियो बना लिया, उसमें वो जो बता रहा है पॉजिटिव थिंकिंग के वेज या बुक रीडिंग के वेज, वही आपने अपनी वीडियो में बता दिए, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और ये आपको तीन आएंगी, ये हमें याद रखना है। और दूसरी स्ट्राइक जो आती है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये वो स्ट्राइक है कि आपने कोई सेक्सुअल कंटेंट बनाया, कोई मार धाड़ दिखाया, खून खराबा, बम धमाका, बम बनाने का तरीका, सुसाइड करने का तरीका, ठीक है, अल्कोहल या ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें आपने बनाई हैं जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो आपको उसकी स्ट्राइक मिलेगी और ये भी आपको तीन मिलेंगे, इसका भी आपने ध्यान रखना है। नीचे जाए तो आपको ऑप्शन आ रही हैं, अपलोडिंग इनेबल होगी है, मोटिवेशन आपकी बाद में होगी एलिजिबल जब आप एलिजिबिलिटी पूरी करेंगे, ठीक है। यहाँ से इनेबल कर देंगे आप, लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करेंगे आपकी हो जाएगी, उसकी आप रिक्वायरमेंट देख लेनी है, बाकी सारी ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास आ रही हैं। सो लर्नर्स, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। ये मेरा अपना मुराद लर्नर्स अकेडमी का चैनल है, ठीक है। इसमें मैं रिसर्च से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। और मैं इस चैनल में किस तरह आया हूँ मैं आपको बता दूँ, मैंने अकाउंट आपके सामने बनाया था, ठीक है। उससे मैंने स्विच अकाउंट किया, ठीक है, और अपने इस चैनल पर क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया मेरा चैनल। सो आगे चलते हैं, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, इस चैनल का।
जी तो आपको और यूट्यूब का भी ये चैनल डैशबोर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो स्टफ आ रही है, ठीक है। अगर मैं इधर रैंकिंग में व्यूज़ में जाऊँ तो ये मेरी फर्स्ट 1 डे 21 आवर्स की बेस में 10 वीडियोज़ को रैंक कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट 1 डे 21 आवर्स में कितने व्यूज़ है उससे कंपेयर कर रहा है। फिर नीचे एनालिटिक्स हैं, कमेंट्स हैं, फिर ये लेटेस्ट कमेंट्स के नीचे, सॉरी लेटेस्ट कमेंट्स आ रहे हैं नीचे ये, ठीक है। ये फिर यूट्यूब की न्यूज़ अपडेट्स हैं, ये चैनल एनालिटिक्स हैं, ठीक है। इसमें सब्सक्राइबर्स शो हो रही हैं 67, लास्ट 28 डेज़ के शो हो रहे हैं। ये समरी है लास्ट 28 डेज़ की, ठीक है। इसमें व्यूज़ हैं मेरे आ रहे हैं, व्हाट टाइम शो हो रहा है, ये टॉप वीडियोज़ हैं। अगर मैं चैनल एनालिटिक्स में जाऊँ तो मेरे पास ये ओवरव्यू शो करेगा मेरे लास्ट 28 डेज़ में इतने व्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं अगर इधर जाऊँ राइट साइड में टॉप में, तो आप देख सकते हैं जून 17 और सॉरी जून 17 एंड जुलाई 14 लिखा हुआ है, तो लास्ट 28 डेज़, ठीक है। तो इन पीरियड के बीच में 28 डेज बन रहे हैं और ये उनके मुझे व्यू शो कर रहा है, कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं, कितना वॉच टाइम आया और कितने व्यूज़ आए हैं। अगर इसमें एरो पे क्लिक करें तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कस्टम भी कर सकते हैं आप। अगर ये चलूँ तो ये नीचे चलूँ तो मैं, ठीक है, तो यहाँ पे रियल टाइम व्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये शो कर रहा है सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ पर आर की बेस पे शो कर रहा है ये, ठीक है। नीचे टॉप वीडियोज़ हैं मेरी, ठीक है, लेटेस्ट वीडियोज़ जो आ रही हैं, और यहाँ पे भी योर टॉप वीडियो जिन पर पीरियड शो कर रही है, ठीक है। फिर हम अगर रीच में चले तो आगे जाएँ तो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट व्यूज़ और यूनिक व्यूज शो कर रहा है जो मेरे चैनल में लास्ट 28 डेज में आए हैं। फिर ट्रैफिक सोर्स टाइप लास्ट 28 डेज़ की, इसमें यूट्यूब सर्च है, ठीक है। ये फिर एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आ रही है मेरे चैनल में, ठीक है, वो इधर शो कर रहा है। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स फ्रॉम सजेस्टेड वीडियोज़, ठीक है। अगर मैं इधर राइट साइड में जाऊँ तो इंप्रेशंस एंड हाउ दे लेड टू वॉच टाइम आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ट्रैफिक सोर्स फ्रॉम प्लेलिस्ट एंड ट्रैफिक सोर्स फ्रॉम यूट्यूब सर्च, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनको सर्च करके लोग मेरी वीडियोस में आए हैं, ठीक है, ट्रैफिक आ रही है। तो इन कीवर्ड्स को भी मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकता हूँ एज ए वीडियो टैग्स, अगर मेरी वीडियो 10 क्लास से रिलेटेड है तो। सो आगे चलते हैं तो इंगेजमेंट की ऑप्शन है, मेरा वॉच टाइम आ रहा है लास्ट 28 डेज़ का, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रही है मेरी लास्ट 28 डेज़ की, ठीक है। ये टॉप वीडियोज बाय एंड स्क्रीन, टॉप प्लेलिस्ट एंड टॉप एंड स्क्रीन एलिमेंट टाइप्स और ये टॉप कार्ड्स। आगे चलें तो ऑडियंस, यूनिक व्यूज़, एवरेज व्यूज़ पर व्यूअर कितने हैं जी, सब्सक्राइबर शो कर रहा है मेरे, ये बाकी जो ऑप्शन आ रही हैं देख सकते हैं। तो मैं दोबारा डैशबोर्ड में आता हूँ, डैशबोर्ड में आऊँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे, दोबारा से पे शो करेगा। तो अब मैं जाता हूँ वीडियोज़ में, ठीक है। ये मेरी वीडियोज़ है सारी जो पब्लिश हुई हुई है ये मेरे, ठीक है। तो ये मेरा थंबनेल है जो लगा हुआ वो है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डिटेल्स हैं, ये एनालिटिक्स हैं, ये कमेंट्स हैं, ये व्यू ऑन यूट्यूब है, और ये यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं डिफरेंट, ठीक है। फिर इधर जाए तो ये पब्लिक है, ठीक है। अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपने उसको अनलिस्टेड करना है पहले, ठीक है। अगर आप किसी के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्राइवेट करके आप लिंक शेयर कर दें, वो बंदा देख लेगा। और अगर आप शेड्यूल करना चाहें तो शेड्यूल में क्लिक करें आप कोई भी डेट और टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, टाइम जोन के अकॉर्डिंगली से शेड्यूल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये विजिबिलिटी होगी, ठीक है, अपने शो की। रिस्ट्रिक्शंस ये आ रही है यहाँ पे, डेट है, व्यू, कमेंट्स, लाइक और डिसलाइक है। सो हम पहले चलते हैं डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मैं शो कर दूंगा कि टाइटल किस तरह लिखते हैं आप, डिस्क्रिप्शन किस तरह देते हैं, और अपने टैग्स, ठीक है। पहले शो करते हैं टाइटल, अभी टाइटल देख लें मेरी वीडियो का, ठीक है। इसमें मेरे इसमें मेरे टाइटल में आप देखें तो मेरा एक कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। फिर ये मेरा दूसरा कीवर्ड है, ठीक है, और ये मेरा तीसरा कीवर्ड है जो मेरा चैनल नेम है, ठीक है। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आए, और सबसे पहले मैं चीज़ मैंने भूल गया आपको, सॉरी, कि 100 वर्ड्स की आपका होना चाहिए टाइटल, ठीक है। एक अच्छा आइडिया टाइटल जो होता है वो 100 वर्ड्स का होता है। अगर नीचे जाए तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, इधर ही हैश टैग्स लगे हुए हैं 4 देख सकते हैं। फिर दोबारा मैंने टाइटल अपनी वीडियो का लिखा है जो ऊपर मेंशन किया अगेन, ठीक है। फिर इसके बाद इस वीडियो की थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैंने बताई है, ठीक है, कुछ लिंक शेयर किए हैं, ठीक है। नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे चैलेंज के बारे में मैंने नाम लिखा हुआ है अपना, आपने भी इसमें लिखना है। फिर नीचे इस वीडियो में क्या लर्न करना है, मैंने सारे कीवर्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है, आप इस टाइम ही दे सकते हैं, ठीक
ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आगे अपनी प्लेलिस्ट के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, इधर सोशल लिंक्स दिए हुए हैं मेरे जितने भी वेबसाइट्स के, या मेरे फेसबुक पेज के, या सॉरी सोशल लिंक्स दिए हुए हैं, मेरे फेसबुक हो गया, ठीक है, या tune.pk डेली मोशन हो गया, इधर है तो ये क्रिएट थंबनेल यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे डॉट पे तो आपके पास ये थंबनेल की ऑप्शन आ जाएगी, चेंज करना है या डाउनलोड करना है आपने। यहाँ से जाएँ तो येस और नो वाली ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, अगर आप किड के लिए किड्स के लिए कंटेंट बना सॉरी अगर आप किड्स के लिए कंटेंट बना रहे तो येस करेंगे, अगर नहीं बना रहे तो नो कर देंगे। फिर ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो गए हैं इस वीडियो के, ठीक है, आप कीवर्ड्स पहले यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 500 वर्ड्स होने चाहिए आपके, जब ये आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो आपने इधर कीवर्ड्स देने के बाद जाएंगे, ठीक है, कीवर्ड्स का सर्च करने का तरीका बता चुका हूँ आपको, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे जाएँ तो हमारे कीवर्ड्स हैं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब बडी के टूल्स हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है। इसके अलावा ऊपर जाएँ तो राइट साइड में आप जाएँ, ठीक है, राइट साइड में विजिबिलिटी आ रही है, इसके नीचे प्ले लिस्ट है, आप इधर भी प्ले लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है, सिंपल अपनी वीडियो को यहाँ से आप प्ले लिस्ट में भेज सकते हैं। फिर एंड स्क्रीन में यहाँ से आप लगाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड स्क्रीन में, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ एग्जांपल लेके, ये मेरे सामने एंड स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये इसकी टेम्पलेट्स आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप, इसे अभी क्लिक करेंगे इधर शो हो जाएगी, आप वीडियोज़ लगाएं, प्लेलिस्ट लगाएं, अपने हल्का लोगो लगाएं वो आप पे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप ये कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कार्ड्स के यहाँ मैं आपको क्लिक करके शो कर देता हूँ, ये यहाँ पे कार्ड जा रहे हैं वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके पास है, इधर ऐड कार्ड में आप क्लिक करेंगे ये शो कर देगा आपको डिपेंड ऑन आज ऑप्शंस, की वीडियो में हम लिंक लर्न इसमें अवेलेबल करेंगे नहीं हाउ है, टू लेकिन क्रिएट बाकी आप लिंक्डइन कर सकते अकाउंट फॉर हैं, फ्री इन तो फाइव इसको यहाँ से कर देते स्टेप्स हैं क्लोज। मैं आपके साथ वीडियो में। अच्छा, इसके बाद हमारे ये भी हो गए हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी हो गई हैं, टाइटल भी हो गया है, टैग्स भी हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, टैग्स आप और किस तरह लगा सकते हैं, आप क्रिएट में जाएँ, ठीक है, आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं इसमें क्रिएट में जाता हूँ, अपलोड वीडियोस में जाता हूँ, सिलेक्टेड फाइल्स में गया मैं, ठीक है, सिलेक्टेड फाइल्स के बाद ये मेरे पास ओपन करेगा स्क्रीन, ठीक है, डेस्कटॉप की आप कह सकते हैं, मेरे पास डेस्कटॉप आ गया, ठीक है, कोई वीडियो यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए उठा देता हूँ, मेरे पास कौन सी वीडियो है इधर अवेलेबल, ये है मेरे पास COVID-19 की, मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे आपको समझाना है, ठीक है, आपकी टी पैड सॉरी टैग्स आप किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, अपना टाइटल आपने इधर देना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप इसकी, एक और मैं आपको टिप देता हूँ कि आप वर्ड खोलें, ठीक है, इस तरह इधर आप टाइप कर लें टाइटल, हैश टैग आपके, ठीक है, लिंक्स और अपने आप टैग्स भी यहाँ पे टाइप कर लें, और ठीक है, इसको भी वन बाय वन इधर आप पेस्ट करते रहें, ठीक है, थंबनेल अगर आपने बनाया हुआ तो अपलोड कर देते हैं, थंबनेल का मैं आपको शो कर देता हूँ मैं किस तरह बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी पावर पॉइंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पावर पॉइंट में बना के यहाँ से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने दूसरा चैनल है उस पर मैंने पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये है पेंट, यूनाइटेड पेंट जो आपकी विंडोज़ में बिल्ट इन होता है, ठीक है, उसमें जाके मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया, जो पिक्चर्स हैं ये मैंने कॉपी राइट फ्री ली हुए हैं, तो ये सिंपल एक ये भी तरीका है एक अच्छा इफेक्टिव थंबनेल बनाने का, अगर आप यू अगर आपको अडोब फोटोशूट नहीं आता तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को भी। सो हम आगे चलते हैं तो यहाँ से भी आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट में जो से रिलेटेड है, ठीक है, उसके अलावा ये ऑडियंस की ऑप्शन भी इधर से आ रही है, फिर इधर आप मोर ऑप्शंस में जाएं, ठीक है, तो इधर भी आपको टैग्स की ऑप्शन देगा, ठीक है, आप कोई भी टैग लगा सकते हैं इससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मैं टैग देता हूँ आपको समझाने के लिए, हाउ टू अर्न मनी, ये देखिए मैंने ट्यूब बडी इंस्टॉल की हुआ है तो ये मुझे नीचे सजेस्ट भी कर रहा है रिलेटेड सर्च टर्म्स, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इसको आप एक साथ क्लिक करें तो ये आपके टैग शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा आप इसके टैग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये सारे इमेज मैं आपको पहले शो कर रहा था, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं अपनी वीडियो की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, फिर आपका कंटेंट हैज़ नेवर एड ऑन टेलीविजन इन द यूएसए, आपने इस ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है,
फिर हमें लाइसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको आगे जाके ये बताऊंगा सेटिंग के बारे में भी, ठीक है। या आपकी स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होनी चाहिए, क्यों? अगर आप कंटेंट करेंगे, ठीक है, तो आपकी वीडियो कोई भी यूज़ कर सकता है। इधर आपकी कैटेगरी और ये बाकी सेटिंग्स आपकी इस तरह होनी चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और टिप्स थी, ठीक है। इससे आगे चलता हूँ मैं। अच्छा, ये वीडियो होगी, मैं दोबारा डैशबोर्ड में आता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में मैं आ गया, तो इधर प्लेलिस्ट की ऑप्शन आ रही है नीचे जाए, ठीक है। मैं आपको क्लिक करके शो कर देता हूँ। इस टाइम ये प्लेलिस्ट बनती है, ठीक है। अब हमने न्यू प्लेलिस्ट में जाना है, उसका टाइटल लिखना है, उसे सेव कर देना है आपने, ठीक है। हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास एनालिटिक्स की वही ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी डेस्कटॉप में शो की। फिर ये इधर कमेंट्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। कमेंट्स की ऑप्शन में आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पर ये पब्लिश्ड, हेल्पफुल रिव्यू, कोई लाइकली स्पैम है तो आपके इधर शो हो जाएगा। सब टाइटल्स हैं तो आपके इधर आ जाएंगे। ओह सॉरी, क्लिक कर दिया। सब टाइटल्स आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है। मोनेटाइज, सब टाइटल्स आपके इधर आ जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो, ठीक है। फिर आपकी मोनेटाइज, ये आपके सब टाइटल्स आ गए हैं। फिर नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन, इस पेज में क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपके रिक्वायरमेंट क्या है और पब्लिक वॉच आवर्स क्या है। तो अगर आपने चैनल का चेक करना चाहते हैं पब्लिक वॉच आवर्स, तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। और ये आफ्टर 48 आवर्स अपडेट करता है यूट्यूब ये पेज। ये ऑडियो लाइब्रेरी है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ पहले। फ्री म्यूज़िक मिलेगा आपको यहाँ से। फिर इंपॉर्टेंट में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में। आप अपने चैनल की सेटिंग्स स्ट्रांग करनी है, आप देख लें करनी चाहिए, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ। और ये चैनल टैग्स किस तरह लगते हैं आप देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है और ये मेरे टैग्स लगे हुए हैं, ठीक है। पहला टैग होगा मेरे चैनल का नेम, बेशक आप वीडियो टैग लगा रहे हैं या चैनल टैग लगा हुआ है, पहले आपके चैनल का नेम होना चाहिए। फिर इसकी एब्रीवेशन लिख सकते हैं आप, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं। ये एडवांस सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है, जो आपको बता चुका हूँ पहले मैं। ये ब्रांडिंग है, ठीक है, मैं आपको ब्रांडिंग भी शो कर देता हूँ। ये मैंने लगाया हुआ है लोगो, आप कोई भी लगा सकते हैं, एंड ऑफ वीडियो, कस्टम स्टार्ट टाइम या एंटायर वीडियो, ठीक है, इट्स ऑन यू। यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, तो इधर भी वही मेरी टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रही है, लिख सकते हैं यहाँ से। इधर भी आपने टैग्स देने हैं अपने, ठीक है। आप देख सकते हैं टैग्स दिवन है यहाँ पे भी, ये वीडियो टैग्स हैं आपके, ये परमिशन हैं, ये कम्युनिटी हैं, एंड सो ऑन। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो ये मेरा आ रहा है होम पेज, ठीक है, जो यूट्यूब का है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो लर्नर्स, हम अपलोड डिफॉल्ट्स में आ गए हैं। यहाँ पे बेसिक इन्फो है, पहले हमारे पास यहाँ पे टाइटल आपने लिखना है, अपने कीवर्ड्स लिखने हैं आपने, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल दूंगा कि किस तरह लिखते हैं अच्छी डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे आपने इसे अनलिस्टेड कर देना है। फिर आपने कीवर्ड देने हैं अपने चैनल के, ठीक है। फिर एडवांस सेटिंग में हम जाएँ तो यहाँ पर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, लाइसेंस आपने करना है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अगर आप कोई और करेंगे, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है वो कोई और यूज़ कर लेगा अपने चैनल में। इधर आपने अपने चैनल की कैटेगरी बतानी है, जो भी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नन भी कर सकते हैं कैटेगरी, फिल्म एनिमेशन भी है, ऑडियो एंड व्हीकल्स है, म्यूज़िक है, पेट्स एंड एनिमल्स है, स्पोर्ट्स है, ट्रेवल्स एंड इवेंट्स है, गेमिंग है, पीपल एंड ब्लॉग्स है, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, पॉलिटिक्स, हाउ टू एंड स्टाइल, एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म भी है, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ये परमिशन हैं आप, ठीक है। फिर ये कम्युनिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अगर आपको कोई मॉडरेटर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अप्रूव्ड यूज़र चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, और हिडन यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, और सेव लाजमी करें उसे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेलेक्ट यूट्यूब चैनल नेम, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने लगा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी अपना यूट्यूब चैनल नेम सेलेक्ट करने में। सो नंबर 1 इस यूनिक, आपका चैनल नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इस पर पहले कोई चैनल नहीं बना होना चाहिए। नंबर 2, अवॉइड डुप्लीकेट नेम, ठीक है। जो भी आप चैनल सेलेक्ट करेंगे अपनी थीम कैटेगरी से रिलेटेड, वो उसमें ऑलरेडी कोई पहले चैनल बनाना हो, डुप्लीकेट ना हो। हाँ, वो डुप्लीकेट इस कंडीशन में हो सकता है कि उस चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हैं, उधर रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, उधर व्यूज़ नहीं आ रही, वो चैनल छोटा चैनल है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, तब आप वो नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अवॉइड करें डुप्लीकेट नेम। नंबर 3, इजी, जो भी नेम आप सेलेक्ट करें अपने चैनल का, बेशक एजुकेशनल है, टेक है, वीलॉग्स है, वो ईजी होना चाहिए, ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए आपके व्यूअर के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट,
चैलेंज थीम, आपका जो भी चैनल नेम होगा इट शुड बी रिलेटेड टू योर चैलेंज थीम एंड कैटेगरी। अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए, आपका जो चैनल नेम है वो आपकी चैलेंज थीम और कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका टेक का चैनल है तो आपका चैनल नेम उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका चैनल वी लॉग है, वी लॉग्स आप बना रहे हैं ठीक है, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग में बना रहे हैं वीडियोस और आपका चैनल थीम ही ट्रैवलिंग है तो आपके उससे रिलेटेड आपका चैनल नेम होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी बिजनेस है ठीक है, तो आपका चैनल नेम उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप पीपल एंड ब्लॉग्स में बना रहे हैं वीडियोस, या आपकी चैनल थीम है सॉरी पीपल एंड ब्लॉग्स, तो आपका चैनल नेम उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका चैनल थीम एंटरटेनमेंट है तो आपका चैनल नेम उससे रिलेटेड होना चाहिए। सो रनर्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ ठीक है। अब मैं आपको थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिक और एक इजी नेम ठीक है। पहले मैं आपको वी लॉग्स कैटेगरी के चैनल का बताऊंगा, फिर एक एजुकेशनल और फिर एक बिजनेस चैनल का। सो वी लॉग हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम सिंपल वी लॉग टाइप करते हैं स्क्रीन में, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है वी लॉग्स में। अभी आप देखें डिफरेंट नेम्स शो हो रहे हैं हमारे पास ठीक है। सारे वी लॉग चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने यूनिक नेम ढूंढना है। हम वी लॉग्स बाय करते हैं तो इसमें भी काफ़ी बने हुए हैं। फिर इसमें हम डिफरेंट करते हैं, इसमें हम टाइप करते हैं हाउस वाइफ, और इसको देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही, इट मीन्स कि ये न्यू नेम है। हमसे सर्च करते हैं तो कोई हमें यहाँ पे यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं मिल रहा इसका नेम बिल्कुल इससे क्लैश कर रहा हो, वी लॉग्स बाय हाउस वाइफ। आप देख सकते हैं इधर डिफरेंट चैनल शो हो रहे हैं लेकिन ये यूनिक नेम है, सो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। अब हम जाते हैं अगली कैटेगरी में, हमारे पास जो है एजुकेशनल चैनल ठीक है। हम एक नेम सेलेक्ट करते हैं ठीक है, पार्क इन्फो करके देखते हैं, इन्फो मो मोटिवेशन कर लेते हैं इसको ठीक है। इसको सर्च करके देखते हैं हमारे पास कोई आ रहा है तो बिल्कुल न्यू नेम आ रहा है पार्क इन्फो मोटिवेशन हमारे पास, या इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं पार्क इन्फो कर देते हैं, पार्क इन्फो मोशन करके सर्च करते हैं हम। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चैनल बना हुआ है पार्क इन्फो मेशन का हब के नाम से ठीक है। इसमें 26 वीडियोस बनी हुई हैं, इसको हम जब खोल के देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें रेगुलर वीडियोस बन रही हैं या नहीं। नहीं, इस पर रेगुलर वीडियोस बन रही हैं लेकिन ये न्यू चैनल है तो हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं पार्क इन्फो करके हम सर्च करते हैं तो ये पार्क इन्फो सीरीज़ आ रही है ठीक है। हम पार्क इन्फो EDU कर देते हैं इसको, पार्क इन्फो एजुकेशन करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा इस तरह का जिसमें ऑलरेडी चैनल बना हो। पार्क इन्फो में बने हुए हैं बहुत ज़्यादा लेकिन पार्क इन्फो EDU पार्क इन्फो EDU में कोई चैनल नहीं बना हुआ आप देख सकते हैं, तो ये आपका एक यूनिक नेम है। अब हम चलते हैं बिज़नेस कैटेगरी की तरफ ठीक है। मैं बिज़नेस का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ बज करके ठीक है, या मैं इसको बिज़नेस लिख देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। बिज़नेस आइडियाज़ के नाम से आ रहा है, बिज़नेस आइडियाज़ या इसको हम कर सकते हैं बिज़नेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं डिफरेंट चैनल हैं बिज़नेस आइडियाज़ के नाम शो हो रहे हैं यहाँ पे। हम बिज़नेस यहाँ पे न्यू बिज़नेस आइडियाज़ आके सर्च करते हैं और देखते हैं कोई ऑलरेडी चैनल बना हुआ है इसी नाम का या नहीं। वीडियोस बनी हुई हैं बिज़नेस आइडियाज़ लेकिन न्यू बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड कोई चैनल नहीं है, या इसको हम कर लेते हैं अर्न मनी करके सर्च कर लेते हैं, एक चैनल देख लेते हैं अर्न मनी। इसमें भी कोई हमें ऐसा चैनल नज़र नहीं आ रहा अर्न मनी, अर्न मनी ईजिली कर लेते हैं इसको हम।
चैलेंज नेम में हमने एक चीज़ रखनी है अपने जहन में कि अगर दो वर्ड्स के आपके चैलेंज हैं, जैसे अर्न मनी किया तो ये आइडल है, ठीक है। अगर तीन वर्ड्स के भी हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट चैलेंज नेम वो होगा जो दो वर्ड्स का होगा, जैसे अर्न मनी हो गया, ठीक है, वी लॉग्स वर्ल्ड हो गया जिस तरह, ठीक है, वी लॉग्स यूई हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपना चैलेंज नेम आप सर्च कर सकते हैं। ये नेम भी हो सकता है अर्न मनी ईजीली, ठीक है, यहाँ पे कोई चैलेंज नेम इसका नहीं शो हो रहा, सो आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू फाइंड वीडियो टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपनी वीडियो का टॉपिक आप किस तरह फाइंड करें। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके बाद आपको अपना वीडियो टॉपिक सेट करने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट पॉइंट है चैनल कैटेगरी। जब भी आप कोई भी वीडियो का टॉपिक सर्च करने पे जा रहे हैं या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो अपनी चैनल कैटेगरी को ज़हन पे रखें। आप क्या कोई चैनल, अगर एजुकेशन है तो आपने एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे या चीज़ों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अगर वी लॉग्स है तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें सोचें या नेट में एक्सप्लोर करें आप। नंबर टू, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में जाएँ आप, ठीक है, जैसे आजकल COVID-19, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स ट्रेंड में। या इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक इंडियन एक्टर की डेथ हुई थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड वीडियोस बनना शुरू हो गई थी, तो ये एक ट्रेंड था, ठीक है। इस टाइम यूट्यूब के होम पेज में जाएं, आपको बहुत सी तरह की वीडियोज़ मिलेंगी जो ट्रेंड शो कर रही होंगी। नंबर थ्री, डिमांडिंग टॉपिक्स। आप डिमांडिंग टॉपिक्स में भी वीडियोज़ बना सकते हैं। डिमांडिंग टॉपिक्स क्या होते हैं? वो टॉपिक्स इनके लोगों को ज़रूरत होती है। या आपको एजुकेशन भी मिल सकते हैं, वी लॉग्स में भी, डिफरेंट टॉपिक्स में मिल सकते हैं। आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि लोग यूट्यूब में आते हैं टॉपिक या कोई क्यूरी सर्च करने से रिलेटेड, या उनको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए या कोई एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, तो वो उनकी डिमांड होती है, उसको सर्च करते हैं कि डिमांड से रिलेटेड जो कोई वीडियो मिलती है वो देखते हैं यूट्यूब में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गूगल। गूगल से भी आप ढूंढ सकते हैं टॉपिक्स। किस तरह गूगल ट्रेंड्स यूज़ करें, जहाँ की वहाँ पर आपको ट्रेंडिंग लेटेस्ट टॉपिक्स मिलेंगे आगे। उसके अलावा नंबर फाइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब। यूट्यूब से भी आपको काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। आप होम पेजेस अपने देखें चैलेंज के, ठीक है, या आप 5 से 10 कोई चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उनको फॉलो करें, देखें वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और याद देखें जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो आपकी चैनल थीम और कैटेगरी से रिलेटेड हो। सो लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ टू राइट वीडियो टाइटल। इसमें आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने लगा हूँ। नंबर वन, यूज़ टैग्स इन टाइटल। जो भी आपका वीडियो का टाइटल है उसमें आप टैग्स यूज़ करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो का टाइटल है हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, तो ये आपका टैग होगा टाइटल में, ठीक है। इसके बाद आप इसको डिवाइड करके अपने चैनल का नेम भी साथ लिखें ताकि आपका सर्चिंग में आए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट प्रॉपर टाइटल। टाइटल प्रॉपर लिखें, इसमें आपका पूरी स्टेटमेंट हो, ठीक है, जिसकी वर्ड्स लिमिट है 100 वर्ड्स की, ठीक है, इतना आपका टाइटल होना चाहिए। इसमें आपके कीवर्ड्स भी आए, मैं आपको भी लेटर ऑन एग्जांपल करके भी दिखाऊँ, शो करूँगा एक। नंबर थ्री, राइट चैनल नेम इन टाइटल। से मैं आपको बता चुका हूँ, अपना प्रॉपर पूरा फुल चैनल नेम भी लिखें पहले, अपना टाइटल जो आपका टैग होगा, ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट में टाइटल लिखना है। मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको भी शो करूँगा वीडियो में आगे चल के। नेक्स्ट है हाउ टू राइट वीडियो डिस्क्रिप्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियो। डिस्क्रिप्शन में पहली चीज़ आपकी वीडियो टाइटल आएगा, ठीक है, आपने रिपीट करना है वही टाइटल जो आपने ऊपर टाइटल में दिया हुआ है, सेम वो नीचे लिखना है आपने, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन देनी है प्रॉपर, ठीक है, डिटेल। नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट वीडियो थंबनेल। वीडियो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जिसमें व्यूअर की पहली नज़र पड़ती है। जो पहली चीज़ आप वीडियो में देखता है वो देखता है थंबनेल, फिर आपकी वीडियो में आता है। थंबनेल आपका नंबर वन आई कैचिंग होना चाहिए, इसको देख के बस जो व्यूअर है वो उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह का होना चाहिए, डिफरेंट कलर्स यूज़ करें, मोटा मोटा बड़ा लिखें। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल आपको शो करूँगा। नंबर टू, अट्रैक्टिव होना चाहिए वो, ठीक है, आपके व्यूअर्स को आपके चैनल की तरफ अट्रैक्ट करें। और हाउ टू रैंक चैनल एंड वीडियो, हम देख लेते हैं कि अपना चैनल आप किस तरह रैंक कर सकते हैं। वीडियो नंबर वन आप यूज़ करें चैनल टैग्स, ठीक है, चैनल टैग्स किस तरह लगाते हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वीडियो आप खुद ही देखें। चैनल टैग्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइटल है हाउ टू स्टडी अ बुक, ठीक है, तो स्टडी या बुक मेरा होगा चैनल टैग होगा, ठीक है, और मेरा चैनल नेम भी मेरा चैनल टैग होगा। नंबर टू,
वीडियो टैग्स लगाएं, अगर आप चाहते हैं हम रैंक करें अपने चैनल को, तो वीडियो रैंक्स आपके टाइटल से रिलेटेड होंगे। जैसे आगे मैंने एग्जांपल लिया, हाउ टू स्टडी अ बुक इन क्विक टाइम और इन लेस टाइम, ये मेरा टाइटल है। तो स्टडी इन लेस टाइम या क्विक टाइम मेरा कीवर्ड होगा और वीडियो टैग भी होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 है, वो अब यूट्यूब बड़ी वेरी यूजफुल वेबसाइट, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह यूज़ करता हूँ। हाउ टू फाइंड वीडियो टैग्स, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, गूगल से फाइंड कर सकते हैं आप टैग्स, मैं आपको उसके भी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि आप सर्च बार में जाके टाइप करेंगे तो आपके पास टैग्स आ जाएंगे। उसके अलावा यूट्यूब से भी आप टैग्स फाइंड कर सकते हैं, यूट्यूब बड़ी, इससे भी आप टैग फाइंड कर सकते हैं। और हाउ टू ऐड चैनल टैग्स, ठीक है, हाउ टू ऐड वीडियो टैग्स, ये क्वेश्चन आपका। हाउ टू डू चैनल SEO, ये सारे क्वेश्चंस आपके मैं अब वीडियो स्क्रीन में जाके आंसर करूंगा। सो हम वीडियो स्क्रीन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स, आप सब्सक्राइबर्स अपने चैनल के लिए किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, आप फेसबुक यूज़ करें, सोशल मीडिया यूज़ करें, ठीक है, अपने आप लिंक शेयर करें। अगर आप बिगनर हैं, न्यू चैनल है, ठीक है, तो आप अपना जो चैनल का लिंक है वो शेयर करें, ठीक है, अगर ताकि लोगों को पता चले आपका चैनल इस थीम में, एजुकेशन में, वीलॉग्स में है, या बिजनेस का या टेक का या किसी भी इसका चैनल है, ठीक है। अब लिंक शेयर करें तो आपकी तरफ ट्रैफिक जनरेट होगी, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने पोस्ट सिस्टम बना ले लिए, ठीक है, वेलकम टू जो भी आपका ग्रुप है, और ये आपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर करनी है, साथ अपना लिंक दे देना है, ठीक है, फेसबुक पेज में, या आप उसमें जाके अपनी वीडियो अपलोड करें, ठीक है, और ऊपर में चैनल का लिंक दे दें, तो आपके पास ट्रैफिक भी आएगी, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। अगर आपकी वीडियो आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, फिर लोग आपकी वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप आगे चलें तो मैं आपको कीवर्ड्स का बता दूं, आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूँ, हाउ टू रीड अ बुक, ये सारे मेरे कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। हाउ टू रीड अ बुक, अगर मैं इसे फास्ट कर देता हूँ तो ये सारे मेरे कीवर्ड्स शो हो रहे हैं, जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं। अगर इसको मैं कर देता हूँ क्विकली, ठीक है, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने अपने टॉपिक के हिसाब से सर्च करने हैं, ठीक है। हाउ टू रीड अ बुक क्विकली, ये सारे मेरे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखें तो ये भी आपके सारे कीवर्ड्स हैं जितने शो हो रहे हैं, ये गूगल में है, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं काफ़ी। ये गूगल कीवर्ड प्लानर की भी वेबसाइट आपको शो कर दे, तो जो आपने जहाँ के अंदर लॉग इन करके अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में जाके भी फाइंड कर सकते हैं, आप यहीं जाके टाइप करें, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ हाउ टू रीड बुक फास्ट, इससे रिलेटेड सारे ये कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड इन कीवर्ड में सर्च हो रही है, लोग सर्च कर रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आप ट्यूबडी यूज़ करें, ठीक है, मैं आपके सामने एक वीडियो ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने वीडियो की है, ठीक है, यहाँ से रोक देता हूँ, ठीक है, ये किया मैंने कि वीडियो ओपन किया है, ठीक है, पेज रीलोड पे चला गया है, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। तो आपने अब ट्यूब बडी के थ्रू किस तरह फाइंड करना है कीवर्ड, इसको मैं इधर रोक देता हूँ एक सेकंड, ये यहाँ पे रुक गया, अभी थोड़ा नेट स्लो है तो उसके लिए अपोलोजाइज। तो अच्छा जी, कीवर्ड्स की बारी आ रही है, ये एक वेबसाइट है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा जहाँ से ये कीवर्ड शो कर रहा है, ये टैग्स, ठीक है। अच्छा, आपने यूट्यूब बडी से किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब बडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, किसी भी चैनल में जाता हूँ रिलेटेड मेरी वीडियो की, ठीक है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे कीवर्ड्स की रैंकिंग शो कर देगा मुझे, ठीक है। मैं यहाँ से भी ये कीवर्ड्स पिक कर सकता हूँ, ये रहे कीवर्ड्स सारे, ठीक है, इनकी रैंकिंग इधर शो हो रही है, ये मेरी अपनी वीडियो मैंने रैंक की हुई है, किस तरह रैंक की हुई है मैंने आपको बता दिया, कुछ मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ से सर्च किए हैं, ठीक है, कुछ मैंने वीडियो से जाके यहाँ से उठाए हैं, ठीक है, पिक किए हैं, तो मेरी वीडियो रैंक कर गई है। और टैग आपने पहले लगाना है अपने चैनल का, फिर आपकी जो वीडियो है वो उसका टैग आएगा,
ठीक है, जितने भी आपने आपने दिए में वो आएंगे, और उससे रिलेटेड कि किस किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ सकती है आपके चैनल में। ठीक है, ये मैंने ट्यूबबडी इंस्टॉल की, इंस्टॉल की बस की एक्सटेंशन, इसके सारे टूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत यूज़फुल ये वेबसाइट है और ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप की कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ट्यूबबडी है, देखें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैंने साइन इन किया हुआ, जैसे मैं जीमेल को करता हूँ। ठीक है, अपने जीमेल अकाउंट से, जो आपका चैनल का जीमेल अकाउंट है उससे हमें लॉगिन करने की, बिल्कुल सेफ है, सेफ टू यूज़। और ये वेबसाइट है जो आपको बता रहा था, कीवर्ड टूल जो मैंने इधर यूज़ की हुई है अपने चैनल में, ये आप देख सकते हैं। ये वाली ऐप मैंने यूज़ की हुई है, ये भी मुझे कीवर्ड्स बताता है जितने भी मेरी वीडियो से रिलेटेड हैं। अब इधर भी सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स जो भी चाहिए आपको। ठीक है, टाइप करें कीवर्ड, आपको सारे मिलेंगे। सर्च करें, आपको इंस्टाग्राम में चाहिए, बैंक के चाहिए, अमेज़ॉन, गूगल, जो भी चाहिए आपको वेबसाइट से भी मिलेंगे। सो ये थे हमारे कीवर्ड्स की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हाउ टू फाइंड फ्री कॉपीराइट मटेरियल। सो लर्नर्स कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डाउनलोड कॉपीराइट फ्री इमेजेस फ्रॉम गूगल फॉर आर यूट्यूब चैनल। सो इसके लिए हमने करना क्या, यूट्यूब में सर्च करना है। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने जाना है इमेजेस, इमेजेस के, इमेजेस में जब आ जाएंगे तो आपने जाना है टूल्स, टूल्स के बाद आपने जाना है यूजेज राइट। ठीक है, यूजेज राइट, सॉरी यूजेज राइट्स के बाद आपने जाना है सेकंड ऑप्शन, लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन। अब आपके पास जो पिक्स आ रही हैं, आप ये अपने यूट्यूब चैनल में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, ये सारी रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं। यूट्यूब अलाउ करता है रॉयल्टी फ्री इमेजेस का यूजेज, यूजेज आपकी वीडियोज़ में। सो यू कैन यूज़ रॉयल्टी फ्री इमेजेस। ठीक है, ये तो तरीका था कि आप गूगल से किसान डाउनलोड करें। इसके अलावा मैं आपके साथ कोई वेबसाइट्स भी शेयर करने लगा हूँ भी, ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस। उससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। उसके लिए आपने ये करना है, अपने यूट्यूब चैनल में जाना है। ठीक है, सर मैं इस चैनल में आ गया हूँ। फिर आपने जाना है ऑडियो लाइब्रेरी, तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें फ्री म्यूज़िक साउंड इफेक्ट गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट्स यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो यहाँ से ही म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, और आप भी यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करता हूँ जहाँ से आप फ्री कॉपीराइट वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है पिक्सीवे। ठीक है, यहाँ से आप फ्री फुटेजेस और क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो रॉयल्टी फ्री हैं, जो यूट्यूब अलाउ करता है। यहाँ पे आप जो है आपको बहुत सी फ्री क्लिप्स और वीडियोस मिलेंगे। सो लर्नर्स, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूज़फुल यूट्यूब ऐप्स एंड वेबसाइट्स जो हर यूट्यूबर को पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको यूट्यूब और गूगल की शेयर करूँगा, फिर उसके अलावा आगे मैं शेयर करूँगा आपके साथ। सो जो पहले वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये है गूगल से रिलेटेड और ये है गूगल ट्रेंड्स। अगर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री से रिलेटेड। आगे चलो तो आपको ये पाकिस्तान का पेज है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तान से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे। आगे चलते हैं तो यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी का ये पेज है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यूट्यूब से रिलेटेड यहाँ पे आप साइन इन करें, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस और पॉलिसीज का पेज। ठीक है, यहाँ से आपको सारी मिल जाएंगी डिटेल्स। नेक्स्ट है ये गूगल एडसन, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इंशाल्लाह अपनी जब आप अपनी मोटिवेशन की एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे तो आपने इस वेबसाइट में लॉगिन करना है, आगे अपना अकाउंट बनाना है आपने आगे। ठीक है, फिर आपकी मोनेटाइजेशन की पेमेंट आपको मिलना शुरू होगी। ये वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। और इसके अलावा नेक्स्ट वेबसाइट हमारे पास है गूगल कीवर्ड्स प्लानर।
आपने कीवर्ड्स प्लान करने हैं, आप इसको आगे क्लिक करें, इसको यूज़ करें साइन इन करके और अपने कीवर्ड्स प्लान करें। अब मैं आपके साथ जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन शेयर करने लगूँ या आपको यूट्यूब में हेल्प करेंगी आपकी वीडियोज़ में, इनको रैंक करने में, टॉपिक सिलेक्शन में। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो मैं वेबसाइट्स बताऊँगा आपको, ठीक है, वो आपने अपने यूट्यूब जीमेल अकाउंट से लॉग इन नहीं करनी उस, ठीक है, जिस जीमेल से आप अपने यूट्यूब को लॉग इन करते हैं, ठीक है, उस जीमेल से आपने इन किसी वेबसाइट्स को लॉग इन नहीं करना, वो सेफ्टी मेजर्स। सो आगे चलते हैं। पहली वेबसाइट है, ये है हमारे पास पिक्सेल्स, यहाँ से आपको फ्री मिलेंगी वीडियोस एंड पिक्चर्स, जो रॉयल्टी फीस है जो यूट्यूब अलाउ करता है, ठीक है। अब आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है पिक्सी पे, यहाँ से आपको फ्री रॉयल्टी इमेजेस, वीडियोस और इंस्पिरेशनल क्लिप्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। आगे चलें तो हमारे पास है ये वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर, सिंपल है, इसको आपने डाउनलोड में क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास पिक्सी लैब, अगर आप पिक्चर्स में टेक्स्ट की एडिटिंग करना चाहते हैं तो यह एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगी, बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास रिमूव इमेज फ्रॉम योर बैकग्राउंड, ये वेबसाइट आपके हेल्प करती है जो आपके बैकग्राउंड चेंज करने में, जो भी बैकग्राउंड में रिमूव करना है, ठीक है, आप अपने पिक्चर अपलोड करें, ठीक है, रॉयल्टी फ्री पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, वो उसमें अपलोड करें, उसका बैकग्राउंड आप ईजिली चेंज करें। नेक्स्ट है हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, इसका लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर एक वो अनदर वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, देर इज़ वन मोर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आगे चाहिए तो ये पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर है, एप्लीकेशन वीडियो मेकर ऐप है, यहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल है ये भी। एक और यूट्यूब सॉरी देर इज़ वन मोर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है ये ट्यूब बडी है, ठीक है, ट्यूब बडी के मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर इसकी शक्ल दिखा देता हूँ ताकि आप वो पता चल जाए कि इसका होम पेज कैसा दिखता है, ठीक है। इस यूट्यूब ये ट्यूब बडी है, ठीक है, इट्स सेफ, आप अपने जीमेल जो यूट्यूब का जीमेल अकाउंट है उससे इधर आप लॉगिन करके अकाउंट बना सकते हैं, जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है और उसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल ऐप है। इसके अलावा आगे चलें तो आपको कीवर्ड टूल्स का मैं बता दूं, ठीक है, ये वेबसाइट आपको कीवर्ड्स प्लान करने में हेल्प करेगी, ठीक है, यूट्यूब, गूगल, बिंग, अमेजोन, ईबे, इससे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, सबके कीवर्ड जो आपको हेल्प करेगी। आप जैसे अपने चैनल का इधर लिंक पेस्ट करना है, इसको सर्च करना है, कंट्री जो भी है, लैंग्वेज जो भी सेट करनी है आपने करें, ठीक है, फिर आपके पास उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वेबसाइट जो हमारे पास है ये है स्पिन XO, इस वेबसाइट का ये फ़ायदा है, ये आपको आपका चैनल नेम फाइंड करने में हेल्प करती है, ठीक है, हमें द यू नेम, व्हाट आर योर लाइक हॉबीज, ठीक है, ये ऑप्शन छोड़ दें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये भी ऑप्शन छोड़ दें, तो स्पिन करें तो उनके पास टॉपिक्स आ जाएंगे और चैनल नेम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम के भी आपको मिल सकते हैं, यूट्यूब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप टैग्स भी जनरेट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। नेक्स्ट वेबसाइट हमारे पास है ये है 25 बेस्ट फ्री SEO टूल्स, इसका मैं लिंक से दे दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से डिटेल में, इसमें आपको बहुत टूल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऐप जो है हमारे सॉरी नेक्स्ट वेबसाइट है ये है YouTube SEO, हाउ टू रैंक YouTube वीडियोज इन 2010, आपको काफ़ी टिप्स मिलेंगी इस ब्लॉग से, ठीक है। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है 15 YouTube SEO टूल्स, ग्रो योर यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, बहुत सी ऐप्स मिलेंगी आपको यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है YouTube टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेटर, आपने अपने YouTube वीडियो यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है, इसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है फाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ये उससे रिलेटेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको ये बना के दे देगा विद फ्यू सेकंड्स। नेक्स्ट वेबसाइट जो हमारे पास है ये ऑनलाइन फ्री टूल डॉट कॉम है, ठीक है, यहाँ से भी आप अपने टैग जनरेट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के, आपने जिस वीडियो इधर वीडियो को लेकर इधर पेस्ट करना है या URL उसको सर्च करना है और आपको ये टैग से रिलेटेड देगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये एक और है यूट्यूब टैग जनरेटर वेबसाइट, आपने अपने यहाँ पर कीवर्ड लिखना है, कोई भी सर्च करना है तो आपको कीवर्ड्स से रिलेटेड आपको अपने सॉरी आपने अपना टाइटल यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, जो आपका टाइटल फॉर एग्जांपल हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, उधर आप लिखेंगे यहाँ पे तो आपको उससे रिलेटेड ये कीवर्ड सर्च करके देगा, उससे रिलेटेड जनरेट करके देगा, वेरी यूजफुल वेबसाइट।
नेक्स्ट जो हमारे पास है ये कीवर्ड टूल्ड मैनेजर डॉट कॉम है, यहाँ से भी आपको कीवर्ड जनरेट करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। फिर ये है रैपिड टैग्स, इसका नाम ही बता रहा है, कोई भी टैग जनरेटेड वेबसाइट है, यहाँ से भी अपना टैग जनरेट कर सकते हैं। फ्री अकाउंट क्रिएट अकाउंट करें, लेकिन यहाँ अपने यूट्यूब के चैनल या जिस अकाउंट से आप लॉग इन करते हैं यूट्यूब को, जीमेल से यहाँ पे लॉग इन नहीं करना। फिर नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास प्रूवन एसईओ टिप्स स्ट्रेट टू यू इनबॉक्स। अगर बैक लिंक बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी, और उसके अलावा एसईओ टिप्स भी देगी आपको आपके ईमेल में। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूट्यूब एसईओ हाउ टू फाइंड बेस्ट ट्रैफिक एंड जनरेट कीवर्ड्स, ये आपको ब्लॉग्स में हेल्प करेगा, इसका लिंक भी आपको नीचे मैं दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास ये है एसईओ से रिलेटेड है, इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ईजी है। और लास्ट वेबसाइट में शेयर करने जा रहा हूँ ये है मिक्सकिट फ्री एसेट्स फॉर योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट। आपको वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस, म्यूजिक टेम्पलेट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगी। सो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी थी, मैंने डेढ़ मिनट जितने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करें, अगर आप और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।